धार जिला मुख्यालय पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष बाल मुकुंद सिंह गौतम ने कार्यालय पर पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। कांग्रेस जिलाध्यक्ष के साथ उनकी पत्नी प्रभा बाल मुकुंद सिंह गौतम भी मौजूद रही, जिनको कांग्रेस ने धार विधानसभा के लिए अपना उम्मीदवार घोषित किया है। सूची जारी होने के बाद कांग्रेस ने आज प्रेस वार्ता रखकर बताया कि कांग्रेस इस बार भाजपा को धूल चटाएगी। कांग्रेस की ओर से उम्मीदवार प्रभा बाल मुकुंद सिंह गौतम ने कहा कि भाजपा की सरकार ने भारी भ्रष्टाचार किया है, विकास के नाम पर छलावा किया है और झूठे वादे से जनता त्रस्त है, जिसको लेकर हम जनता के बीच जाएंगे और इस बार जरूर विधानसभा की जनता का साथ मिलेगा। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा जिला कांग्रेस अध्यक्ष बाल मुकुंद सिंह गौतम ने। आज जो पीसीएम में रखी है चुनाव के संबंध में रखी है, क्योंकि कल फॉर्म भरने जा रहे हैं और कल से हम चुनाव प्रचार शुरू कर देंगे और आप लोगों के आशीर्वाद और सहयोग की अपेक्षा के लिए हम भी मुद्दे ही मुद्दे हैं। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भ्रष्टाचार चरम सीमाओं पे है, महिलाओं पे अत्याचार चरम सीमाओं पे है, हमारा मध्य प्रदेश महिलाओं के अत्याचार में नंबर वन आया हुआ है और किसान किस प्रकार से त्रासदी झेल रहे हैं, किसान किस प्रकार आत्महत्या पे मजबूर हो रहा है और आगे हमारी योजना है कि आगे भ्रष्टाचार भी नहीं हो, विकास कार्य काफी हो। जिस प्रकार से हमारे नेता ने एक घोषणा की है, इस सरकार बनते ही 10 दिन में सारा की सारा कर्जा माफ किया जाएगा और रोजगार सुरक्षित किया जाएगा, बेरोजगारों को रोजगार भत्ता दिया जाएगा और किसानों को जिस प्रकार से भी जमाने भर के तिकड़म भर के पेमेंट की बात करती है भारतीय जनता पार्टी और मंडी से हमको पेमेंट 4-4, 6-6 महीने नहीं मिलता है, उसको नगद पेमेंट की व्यवस्था की जाएगी ताकि किसानों को नगद पेमेंट मिले और किसानों को उनके अनाज का उनकी उपज का उचित मूल्य मिले। इसके लिए हमारी कांग्रेस पार्टी कृतसंकल्प है और जो विद्युत का बिल है वो बिजली पूरी और बिल हाफ की कहा भी हमने कहा है, निश्चित तौर पर इन सब चीजों को लेकर के हम जाएंगे और जैसी सरकार बनेगी हम अपने वादे पे वादे नहीं, सरकार हमारी हमारी जो कांग्रेस पार्टी है वादा नहीं वचन देती है, इस वचन पे हम खड़े उतरे।